को खाने के साथ साथ मरे हुए पक्षी को भी खाता है, और जब इसके बावजूद भी इसका पेट नहीं भरता तो यहाँ ये एक कंगारू को अपना निशाना बनाकर उसका शिकार करने के लिए दौड़ पड़ता है। जिस रेस में बाजी तो कंगारू ही मारता है, जिसके बाद जब ही अपनी भूख मिटाने के लिए सांप को खाता है तो इसे आप सांप पर भारी पड़ता समझे, उससे पहले मैं आपको ये क्लिप दिखाना चाहूँगा जहाँ इस मुर्गा स्नेक के यहाँ से गुजरने की भनक इस मॉनिटर लिजार्ड को लग चुकी है और अभी अपनी जीभ से उसके मौजूदगी का पता लगा रहा है। जिसके कुछ ही क्षण बाद जब इसे उसका पता लग जाता है तो ये झटपट उसकी ओर निकल लेता है। पर अब शायद मुर्गा स्नेक को भी इस मॉनिटर लिजार्ड की भनक लग गई थी और वो भी अब जान चुका था कि अब उस पर खतरा मंडरा रहा था, इसलिए ये मॉनिटर लिजार्ड को भरमाने के लिए कभी इधर भाग रहा था तो कभी उधर। लेकिन मानना पड़ेगा कि मॉनिटर लिजार्ड भी अपनी जिद पर आ गया था और सांप की खोज में लगातार इधर उधर दौड़े जा रहा था। पर आखिर में जैसे तैसे करके अपने बिल में पहुंचने में ये सांप कामयाब हो तो जाता है, लेकिन ये मॉनिटर लिजार्ड यहाँ भी पहुंच जाता है और पहुंचते ही बिल के अंदर मुंह डालकर सांप को पकड़ने की कोशिश करता है, जिसमें पहले तो सांप और पीछे हटकर खुद को बचाता है, लेकिन जब सांप के पास कोई और रास्ता नहीं बचता तो ये लिजार्ड पर अटैक कर देता है, जिसके बाद मॉनिटर लिजार्ड को फौरन ही बाहर निकलना पड़ जाता है और ये बेचारा हार मानकर यहाँ से चला जाता है। लेकिन क्या एक तेंदुआ भी हाइना से हार सकता है? क्योंकि वैसे तो ऐसे कई क्लिप्स हैं जिसमें हाइना और तेंदुआ आमने सामने रहे हैं, जिसके बाद जब भी इनके बीच टक्कर हुई है तो हर बार तेंदुआ ही बाजी मारा है। पर कभी कभी बाजी पलट भी जाती है और जब तेंदुआ अकेला पड़ जाता है तो ये उसे झपटने से पीछे नहीं हटते, लेकिन कई बार तेंदुए को अपने नासमझी की वजह से भी दुम दबाकर भागना पड़ जाता है। जैसे कि यहाँ ही देखिए, जहाँ ये पानी पी ही रहा था कि इसे कोई खतरा महसूस होता है, पर फिर भी यहाँ से ये तब तक नहीं हिलता जब तक कि हिप्पो इस पर अटैक करने के लिए बाहर नहीं आ जाता। और तो और कई बार तो ये सड़कों पर आ जाने से भी घायल हो जाते हैं, तो कई बार इनकी मौत भी हो जाती है। अब आप इलेक्ट्रिक फिश के बारे में जाने, इससे पहले एक छोटी सी क्लिप प्यूमा की भी देख लीजिए, जहाँ एक प्यूमा को शिकार करता देख ये सभी शिकार पर निकलते हैं और इनकी किस्मत भी इतनी अच्छी थी कि यहाँ कई गुआनाकाव आए हुए थे, जिसमें कि एक गुआनाकाव नीचे आने की गलती कर बैठता है, जिसके बाद ये सभी इस पर झपटते हुए इसे जमीन पर गिरा देते हैं और आखिर में इन सबकी माँ यहाँ आकर इस गुआनाकाव का खेल खत्म कर देती है। लेकिन एक इलेक्ट्रिक ईल जो 860 वोल्ट का करंट जनरेट करती है, ये किस हद तक घातक हो सकती है? इलेक्ट्रिक फिश मछली की वो प्रजाति है जिसे 2019 से पहले इनके सिर्फ एक प्रजाति को ही जाना जाता था, लेकिन कुछ महीने बाद इनकी दो और प्रजाति सामने आई। इससे पहले भी कई साइंटिस्ट मछली की इस प्रजाति पर एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, जिसमें ये मेटल के टूल्स लेकर इनकी बॉडी पर लगाते थे, जिससे खतरा महसूस होने पर ये करंट जनरेट करती थी और साइंटिस्ट के शरीर के मसल्स में अगले दिन तक दर्द रह जाती थी। दरअसल इस मछली में तीन पार्ट्स करंट जनरेट करते हैं जो हजारों मसल्स के टुकड़ों में इलेक्ट्रिक फ्लो करते हैं। अपनी इस स्किल से ये अपने इर्द गिर्द भी इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार कर खुद को बचा भी सकती हैं और अपने शिकार को झटका देकर उसे अधमरा भी कर सकती हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे मेजर करने के लिए एक प्रोस्थेटिक आर्म बनाया, जिसके संपर्क में आते ही पता चला कि एक इलेक्ट्रिक ईल 860 वोल्ट तक का करंट जनरेट कर सकती है। लेकिन क्या ये किसी इंसान की जान ले सकती है? प्लीज हमें सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दें। इस बात का जवाब हम सिर्फ इसी बेस पर दे सकते हैं कि आज तक ऐसी कोई भी खबर नहीं आई जिसमें किसी इंसान की मौत इलेक्ट्रिक ईल द्वारा हुई हो। तो हो सकता है कि आप एक इलेक्ट्रिक ईल को तो बर्दाश्त कर पाए, लेकिन इनसे भरे इलाके में कदम रखना तो मौत को दावत देना होगा। लेकिन अगर सवाल रहा कि क्या कोई एलिगेटर एक ईल पर भारी पड़ सकता है, तो इसके लिए आप इस क्लिप पर नजर मारिए। एक ईल मछली जो इस एलिगेटर के आगे किनारे पर यहाँ तैरते हुए चली आई थी, इस पर यह एलिगेटर हमला कर देता है। जैसे ही ये इसे अपने जबड़ों में दबाता है, वो करंट छोड़ने लगती है, जिससे इस एलिगेटर के शरीर में सनसनाहट दौड़ती है और धीरे धीरे इसका पूरा शरीर अकड़ने लगता है। ये एलिगेटर ज्यादा देर तक उस शॉक को बर्दाश्त नहीं कर पाता और अंत में मर जाता है। एक ऐसी ही गलती ये पानी का सांप भी कर बैठा और इस इलेक्ट्रिक ईल को अपने मुंह में दबोच लिया, जिसके ठीक 4 से 5 सेकंड बाद ही इसका होश ठिकाने आ गया। ऐसी ही गलती ये कुत्ता भी कर रहा था और जनाब को इसका सबक भी मिल गया। एक मोल स्नेक अपने आप को कितना भी क्यों ना लगा ले, लेकिन हनी बैजर के आगे तो ये घुटने टेक ही देगा, क्योंकि ये तो जंगल के राजा से भी नहीं डरता। वैसे तो ये हनी बैजर इस सांप के इलाके में आया है, लेकिन गलत तो हमेशा कमजोर को ही ठहराया जाता है और ऐसा ही ये हनी बैजर ने भी किया, क्योंकि जिस तरह से ये इस सांप पर हमला किए जा रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि इस सांप ने ही इसके इलाके में आने की गलती की है।
आखिर में ये इस सांप को अपने पंजों में दबाता है और इसके बाद इसका खेल खत्म हो जाता है। वाइल्ड डॉग्स जंगल के वो कीड़े हैं जिन्होंने सबके नाक में दम कर रखा है। अब जैसे कि यहाँ ही अपनी नजर फेरेंगे तो एक और जंगली कुत्तों का झुंड भागता नजर आता है, तो दूसरी ओर एक अकेला तेंदुआ भागते भागते इनके डर से इस पेड़ पर चढ़ जाता है।